नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रैपिड टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं अर्चना। नजर डालते हैं आज की दिन भर की खबरों पर। सिलीगुड़ी नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर राम भजन महतो साथी कमल अग्रवाल ने छोड़ा वाम फ्रंट का साथ, थामा तृणमूल कांग्रेस का दामन। सिलीगुड़ी में अमानवीय घटना, दिल का दौरा पड़ने से हुई एक व्यक्ति की मौत, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए नहीं आया परिवार और पड़ोसी। पुलिस ने एक स्वयंसेवी संस्था की मदद से शव का करवाया अंतिम संस्कार। जलपाईगुड़ी कोविड अस्पताल की स्थिति को देख डरा कोरोना रोगी, भागा अस्पताल से। बाद में समाज सेवियों ने किया रोगी को बरामद, भेजी गई स्वास्थ्य केंद्र। आज है वर्ल्ड नर्स डे। सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में कार्यरत नर्सों ने कहा, कोरोना महामारी में मरीजों का सेवा ही उनका परम कर्तव्य। सिलीगुड़ी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना रोगियों के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद राजगंज के पूर्व धनतला इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं का दुकान और जमीन किया गया था दखल। आज तृणमूल नेताओं की पहल के बाद लौटाया गया, कब्जा किया गया जमीन और दुकान। राजगंज के बंधु नगर में सड़क दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में किए गए भर्ती। नक्सलबाड़ी थाना अंतर्गत बस स्टैंड के पास एक महिला के साथ बैग छिनताई की घटना, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। तूफान और ओलावृष्टि से इटाहर ब्लॉक के विभिन्न क्षेत्र क्षतिग्रस्त, फसलों को भी पहुंचा नुकसान। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत की मार, अलीपुर द्वार में विभिन्न यात्री वाहनों के चालक चिंतित। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के पत्रकारों को कोरोना वॉरियर के रूप में किया था घोषित, जिसके तहत आज उत्तर दिनाजपुर जिले में 18 से 44 वर्ष की आयु के सभी पत्रकारों को दिया गया कोरोना वैक्सीन। नक्सलबाड़ी ब्लॉक अंतर्गत इलाके में हाथियों के झुंड ने मचाया जमकर तांडव, अनारस की खेती हुई नष्ट, किसानों ने की मुआवजे की मांग। ईद पर्व को देखते हुए उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद के कर्माध्यक्ष पंपा पाल ने अल्पसंख्यक लोगों में कपड़े किए वितरित। उत्तर दिनाजपुर वन विभाग ने वर्तमान कोरोना महामारी को देखते हुए राजगंज के कुलिक बर्ड सेंचुरी में पर्यटकों के प्रवेश पर लगाई रोक। ईद के मौके पर डुअर्स ह्यूमन केयर सोसाइटी की तरफ से राजगंज ब्लॉक के जोटियाकाली इलाके में जरूरतमंदों में कपड़े वितरित। रैपिड टाइम्स में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सिलीगुड़ी टाइम्स।